कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के एम्बुलेंस पार्किंग में बुधवार की सुबह एक लावारिस महिला की लाश मिली। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना एमजीएम के सुपरिटेंडेंट को दी। सूचना मिलते ही सुपरिटेंडेंट मौके पर पहुंचकर शव को मर्चरी में रखा। सुपरिटेंडेंट का कहना है कि एक दो दिन में शव के परिजनों का पता कर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसको जैसे ही हम लोग 10 बजे आए हैं, जानकारी मिली तो उसको ये करके मॉर्चुअरी में रखा गया है। 72 घंटे अब तो रखना होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन महिला है, कहां से आई, कुछ पता चला? ये अभी तक पता नहीं चल पाया। कैसा लग रहा है हालात उसका, देखने में क्या लगा आप लोग को? गरीब गरीब तो होगा ही। अच्छा, तो अभी उसको कहाँ रख? मॉर्चुअरी में रखा गया है। कुछ पता चला उसके परिवार वाले के बारे में? कुछ नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। आगे क्या उस पर? हाँ, उसको हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पता चल सकेगा तब ठीक है। 3 दिन हम लोगों को रखना रहता है, उस 3 दिन में यदि पता चल जाए तो उसको कॉन्टेक्ट करेंगे हम लोग, नहीं तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके उसका जो प्रोसेस होता है वो करेंगे।